अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप भाई? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जो कि इधर आ रहा है, जिसने जो है वो प्लान कर लिया, जिसने अपनी तैयारी कर ली है, चाहे वो वीज़ा फाइल कर चुका है, चाहे वो अपने प्रोसेस में है, चाहे भी कैश का वेट कर रहा है, चाहे उसका वीज़ा आ गया, टिकट करवानी है, हो गया, वट एवर जो भी है, जिसने इधर आने का प्लान कर लिया है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या जिसको कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, गलत एक्सपेक्टेशन जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं इधर आने से पहले लोगों की यूके को लेकर, ये यार उधर जाने के बाद ये सीन होने वाला है, हमारे सर्कमस्टांसिस जो हैं वो ये होंगे, इस तरह हमारा जो है वो उधर जाके सीन होने वाला है। तो वो जो चीज़ें थी वो मैंने सोचा कि आपके सामने हाईलाइट कर दूँ कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो इधर आने से पहले लोगों के जहन में होते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन चीज़ों को लेकर होती है, उसके जहन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि इधर आने के बाद पूरी नहीं होती, फिर जब वो पूरी नहीं होती तो फिर बंदा जो है वो डीमोटिवेट होता है, फिर बंदा प्रेशर में आ जाता है, फिर बंदा जो है वो होम सिकनेस का शिकार हो जाता है, और कई जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं कम्प्लीटली, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें इसमें हैं कि मेरे से लोगों ने पूछी हैं जो कि शायद नहीं भी पूछनी चाहिए, इसके अलावा उनके जहन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी बिना वो चीज़ें वो है वो पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पता जो इधर एज स्टूडेंट लोग आ रहे होते हैं उनको जस्ट 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो हर एक बंदा जो है वो पूछ रहा होता है। हाँ, जिसको नहीं पता उसको भी मैं बता दूं, एज स्टूडेंट जो एक वीक में आप इधर आगे करते हो जस्ट आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं, और एक मंथ में आपको 80 आवर्स अलाउ होते हैं जो कि आपकी NI की जॉब होती है, जो कि आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, ये आपको अलाउ होते हैं, यही काम आपने करना होता है। तो इस चीज़ को लेकर कई जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट सेशन में पूछ रहे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें क्या यही काम अलाउ है, फिर इस तरह से हमारा जो है वो शॉर्टकट किस तरह चलेगा, हमारा जो है वो एक्सपेंस किस तरह मैनेज होगी, यूनिवर्सिटी की जो है वो हम फी किस तरह अपनी मैनेज करेंगे, किस तरह हम फी निकालेंगे। तो मैंने बताया कि ये जो आपकी NI की जॉब है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, जो रिमेनिंग है वो जारी बात है, फिर हम उनको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करते हैं, वो आपने किस तरह अपना काम करना है, वो आपके कैश के जो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, इसके अलावा जो है वो काम आप करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, किस तरह आप मैनेज करोगे, सेफ साइड पर आके आपने किस तरह सेफ काम करना है, ताकि जारी बात है एक एक्टिविटी उस तरह की हो जाती है कि जो कि नहीं होनी चाहिए, तो हम उसको फिर इंस्टाग्राम पे एक्सप्लेन करते हैं, उधर हम बताते हैं, या इवन मेरे अपने कुछ जानने वाले हैं, एक दो ने मुझसे पूछा तो मैं उनको बताता हूँ कि वो आप किस तरह कर सकते हो। तो ये जो काम है ये आप कमेंट सेक्शन में बेशक ना पूछा करें, कमेंट सेक्शन में या इस तरह वीडियो में हम खुलकर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो इस चीज़ के लेकर जो है वो थोड़ी एहतियात किया करें। इसके अलावा जो आते हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब जो हमें देख रहे होते हैं या उनको जो ओवरऑल सर्कमस्टांसिस नज़र आ रहे होते हैं इधर, उनके दिल में होता है कि बस हमने जाना है और जैसे ही एयरपोर्ट से हमने निकलना है तो रेड कारपेट हमारे सामने बिछा होना है, जैसे ही हमने रेड कारपेट पर चलते हुए आना है, आगे गाड़ी होगी, गाड़ी हमें डायरेक्ट जॉब पर ले जाएगी या घर ले जाएगी, दूसरे तीसरे दिन हमें जॉब पर ले जाएगी, ऐसा भाई सीन नहीं होने वाला। कई दफ़े ऐसे होता है कि जब इधर आप आते हो, अगर आपने नहीं मतलब कोई अरेंजमेंट किया हुआ जिसने आपको रिसीव करना है, जिसने आके आपको पिक करना है, तो बाद अवकात आपको ट्रेन के जरिए जाना पड़ता है, थोड़ी बहुत जलालत वाला सीन भी हो जाता है क्योंकि चीज़ों का इधर आपको पता नहीं होता, नए नए आते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं इधर आया था मुझे किसी ने रिसीव करने आना था, मेरे दोस्त ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सका, मैं बस के जरिए भी इधर पहुंचा, उस दौरान मेरा वॉलेट भी गुम हो गया, बड़ी लंबी जोड़ी जो है वो स्टोरी बन गई थी। बहरहाल एट द एंड बंदा पहुंच जाता है अपने घर जिधर भी आता है, लेकिन सीन ये है कि आते ही इस तरह का सीन नहीं होता कि आपको रेड कार्पेट पर आपको जॉब मिल जाएगी या आते ही आपको एक दो दिन में जॉब मिल जाएगी अगर आपने कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं किया हुआ। हाँ, अगर अरेंजमेंट है, कोई आपका जानने वाला है जिसने आपसे पहले ही जॉब ढूंढ के रखी हुई है, वो तो एक अलग सिनेरियो हो जाता है, लेकिन अगर नहीं तो अपने आप को इतना मेंटली आपने प्रिपेयर करके आना कि आपने आते ही जो है एक दिन ठीक है आपने रेस्ट कर ली, एक दिन टाउन में घूम फिर लिया, साथ जो है वो आपने अपनी जॉब को ढूंढना शुरू कर देना है, खुद आपने जॉब ढूंढनी है। एक वीक भी लग सकता है, एक मंथ भी लग सकता है, लेकिन ये है कि एट द एंड जब आप कोशिश करते हो किसी भी चीज़ के लिए तो एट द एंड जो है वो आप हासिल कर लेते हो। तो इस चीज़ के लिए आपने मेंटली तौर पर स्ट्रांग रहना है, इतना कम से कम कि आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसके अलावा जब जॉब मिल जाती है, हम कहते हैं कि ठीक है यार आते मुझे एक वीक लगा है, बस मुझे जॉब जो है वो मिल गई है, तो हम उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स किस सेंस में? ठीक है, हम कहते हैं कि ठीक है यार मैंने तो अच्छी अर्निंग जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, दिन में मैं 40 पाउंड 50 पाउंड 60 पाउंड बनाना मैंने जो है वो शुरू कर दिए हैं, तो ठीक है
हम खाना खाने जाते हैं तो बस भाई खुले पैसे उड़ा रहे हैं, क्या है भाई कमाई तो कर रहे हैं, खाने के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा और कई चीज़ें हैं। मोबाइल आते ही जो है एक मंथ अभी गुजरा नहीं होता, हाथ में देखता है जी नया नया, अभी पहले 15 आया था, अभी 16 प्रो आ गया, तो नया नया जी है 16 प्रो मैक्स मोबाइल ले लिया, या लैपटॉप ले लिया, या क्या है जी नॉर्थ फेयर किया जैकेट अच्छी थी लगी मैंने वो ले लिया, ये चीज़ें। तो ऐसा सीन नहीं करना आप लोगों ने, जब आप एज स्टूडेंट इधर नए नए आ रहे हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है सारे जो है वो आपने इधर ही सारे काम करने हैं, लेकिन शुरू में जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने उस चीज़ को देनी है। आते ही आपने अपनी जॉब ढूंढनी है, अपनी सेविंग करनी है, सेविंग किस लिए, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी के लिए। यूनिवर्सिटी की फ़ी जितनी जल्दी आप उतारोगे आप उतने जो है वो रिलैक्स हो जाओगे, उतनी आपके जहन की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि एक यही मेन चीज होती है जिसकी आपको टेंशन होती है इधर आने के बाद। हाँ, अपने घर के सर्कमस्टांसेस जो है वो अलग हो सकते हैं, अलग बात है, कई लोग इधर मैरिड आते हैं, इसके अलावा कई ऐसे आते हैं जिनके कंधों पर जो है वो घर का भी बोझ होता है, उन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, अपने घर का सर्कल भी साथ चलाना होता है, घर भी पैसे भेजने होते हैं, वो भी एक सिनेरियो आ जाता है। तो जब आपकी फी कंप्लीटली क्लियर हो जाती है, आप 5 मंथ 6 मंथ 7 मंथ लगा के अपनी फी जो है वो क्लियर कर लेते हो, तो बाद में जो है फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, बाद में आपको पता होता है जितनी मैं अर्निंग करूंगा ये मैं अपनी सेव करता जाऊंगा, ये मेरे पास ही रहेगी। और दूसरी बात ये है कि आपको होता है शुरू शुरू में जब आप थोड़े पैसे कमाते हो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है सेविंग करते करते, यानी शुरू शुरू में इतने 30-40-50 पाउंड बड़ी मुश्किल से आपके इधर आने के बाद बनते हैं, और उतने पैसे सेव करने के बाद अपने उसमें आपने अपना रूम रेंट निकालना है, अपने एक्सपेंसिस निकालने, अपनी ट्रैवलिंग कार, कई दफ़ा ऐसे होता है आप इतना दूर रह रहे होते हो आपकी जो ट्रैवलिंग कार्स है वो ट्रेन की टिकट ही 30-40-50 पाउंड की लगती है, और अगर 2-3 दिन आपको जाना पड़ जाए तो आपके लिए बड़ा मसला बन जाता है, आपके एक्सपेंसिस ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने शुरू में इतने ज़्यादा जो है अपने एक्सपेंस नहीं करने, उनको कंट्रोल करना है। मोबाइल जो है वो बाद में लिया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल लेने की, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो बाद में भी ली जा सकती है जब आपकी फी क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा आपने हमारी बात कई जो दोस्त हैं, अभी मैं अपनी बात करूं, मैंने अभी अपना PSW अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरे साथ हैं उनकी ग्रेजुएशन सबने भी कंप्लीट हो गया, मेरे से 1 साल के बाद आए हैं। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी का कोर्स कितना आपको ऑफर कर रही है, 9 मंथ होते हैं, 10 मंथ होते हैं, मेरे तो वैसे ही 2 साल थे, 2.5 साल, तो मेरी इसलिए डिग्री जो है वो थोड़ी लंबी थी, इस वजह से मुझे टाइम मिल गया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब 8-9 मंथ 10 मंथ आपके गुजर जाते हैं फी क्लियर करने के बाद, आपने 3-4 मंथ निकाल के अपने PSW के पैसे सेव करने होते हैं, जो कि आजकल के 2800-2900 पाउंड कम से कम, यानी एवरेज 3000 पाउंड आपने सेव करना होता है। तो ये मैं बातें कर रहा हूँ, इन चीज़ों को लेके आपने रिलैक्स नहीं होना। इसके अलावा एक और मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि गलत फहमी होती है कि यार मैं जो है पूरा लोन लेकर अपने कंट्री से आ रहा हूँ, इंडिया से या पाकिस्तान से जिधर भी, कितना लोन है जी 60 लाख का मैं लोन लेकर आ रहा हूँ, तो मैं क्या पहले साल में कंप्लीट पे कर दूंगा 60 लाख लोन का मतलब होता है कि आपने अपनी हाफ पेमेंट की है, या इवन आप बैचलर पे आ रहे हो, ठीक है पहले साल की पूरी पेमेंट कर दी है, तो वो कहते हैं कि मैं पहले साल में पे कर दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करके आएं, पहले साल में बहुत मुश्किल होता है आप अपना लोन पे करने, क्योंकि पहले साल में अब फर्ज करें आप 60% अपनी फ़ी पे करके आए हो, पहले साल में आपके अपनी आप एक्सपेंस मैनेज करोगे, अपनी जो है वो फ़ी पे करोगे, तो आपके पास टाइम थोड़ा बच जाता है, तो इतने ज़्यादा पैसे आप नहीं सेव कर पाते, इतना लोन पे बैक आप नहीं कर पाते। तो जिससे भी आप लोन ले रहे हो कम से कम इतना टाइम आप उसे लो कि आप अपनी फ़ी क्लियर करने बाद, अपने एक्सपेंस क्लियर करने के बाद 1 साल के बाद जो है 2-4 महीने लगा कर 5 महीने लगा कर आप उसका लोन जो है वो पे बैक कर सको, कम से कम 1.5 से 2 साल फिर लग जाता है आपको, जो कि जॉब की सिचुएशन चल रही है, या इवन आपको आते ही जॉब अच्छी मिल जाती है तो थोड़ा सा इससे कम जो है वो टाइम लग सकता है, लेकिन इतना टाइम एवरेज लग जाता है 1 साल से तो ज्यादा लगता ही लगता है जो मर्जी हो जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए PR मिलती है कि नहीं, एक दोस्त को मुझे मैसेज आया यार UK में PR मिलती है, इतना मैसेज आया, मैंने कहा नहीं भाई PR नहीं मिलती, आगे से होने वाले इमोजी यार इतना, मतलब जाहिर बात है इधर आने के बाद एक लंबा प्रोसेस होता है, आप इधर आने के बाद जॉब करते हो, ठीक है इधर आने के बाद फिर आप PSW अप्लाई करते हो, फिर आप स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए सर्च करते हो, स्पॉन्सरशिप जॉब मिलने के बाद फिर जो है वो आप 5 साल उस पर लगाने के बाद आप एलिजिबल होते हो PR अप्लाई करने के लिए, आपका जो है वो प्रोसेस सारा होता है, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, फिर आपको जो है वो ILR मिलती है। तो ऐसे ही मतलब रैंडमली पूछ लिया UK में PR मिलती है, या जो लोग इधर रह रहे हैं सारी बात उनको मिली है तो वो इधर रह रहे हैं ना, तो ये एक फालतू किस्म का क्वेश्चन हो जाता है, एक कंप्लीट मतलब सिनेरियो करके पूछते हैं कि अगर ये जॉब हो, इस तरह की जॉब हो, ये फील्ड हो, तो इस फील्ड में क्या PR मिल सकती है, फिर बंदा उसको जॉब तक या इसमें ये सिनेरियो होता है, इसमें मिल सकती है, इसमें नहीं मिल सकती, तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी बात है जो भी लोग इधर आ रहे हैं उनको ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ
जैसे इनके अलावा फिर भी आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल आता है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक आदमी कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।